आज के भौतिकवादी युग में हर किसी के पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। हर किसी को अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाइक व कार निर्माता कंपनियों ने तेज गति से चलने वाली ऐसी नई नई बाइकें और कारों का निर्माण कर दिया जो हवा से बातें करती हैं। लोग ऐसी गाड़ियां खरीदकर सड़कों पर तेज गति से चलते हैं और अपने वाहन की गति पर नियंत्रण रखना भूल जाते हैं, जिससे सड़क हादसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन हादसों को रोकने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने परिवहन विभाग काशीपुर को एक नई रडार गन उपलब्ध कराई है। इस विषय पर सुरागीला न्यूज चैनल की टीम ने एआरटीओ असित कुमार झा ने बात की तो उन्होंने बताया कि शासन ने यह यंत्र अभी आरटीओ ऑफिस काशीपुर को उपलब्ध कराया है, जिससे नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग वाली गाड़ियों को चिन्हित कर स्पीड की जांच की जाएगी। ज्यादा स्पीड वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन माध्यम से चालान भेजे जाएंगे। देखिए सुरागीला न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। क्षेत्र कोई भी हो, एक्सीडेंट थमने के नाम नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है तेज गति में वाहन का दूसरे वाहन पर चढ़ जाना और एक्सीडेंट हो जाना। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे काशीपुर क्षेत्र के एआरटीओ सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस एक्सीडेंट की जो ये लगातार दुर्घटनाएं देखने मिलती हैं, इसको रोकने के लिए क्या प्रावधान आए हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई काशीपुर में? जैसा कि आपने बताया कि दुर्घटना, सड़क दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण में से एक तीव्र गति से वाहन चलाना होता है, तो इसके लिए स्पीड रडार गन से हम लोग वाहनों का स्पीड चेक करते हैं और निर्धारित सीमा से अगर अधिक गति पर वाहन चलता हुआ पाया जाता है तो उनका चालान किया जाता है और इसमें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने के लिए चालक का DL भी सस्पेंड किया जाता है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।